नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के बियारेट्ज पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सोमवार का दिन में बहुत व्यस्त रहने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के 4 बड़े नेताओं से आज उनकी मुलाकात होगी। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम इन दिनों INX मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद CBI ने चिदम्बरम को हिरासत में लिया। अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है। तमिलनाडु में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कोयम्बटूर बस अड्डे पर एक तमिल समूह ने पत्थर फेंके। सोमवार को हुई इस पत्थरबाजी में 2 बसों के शीशे टूट गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा हटा दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से यह कदम उठाया गया है। हालांकि अब उन्हें Z+ सुरक्षा मिली है। गृह मंत्रालय की ओर से इस पर कहा गया कि यह समय समय पर होने वाली सामान्य प्रक्रिया है। देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में सोमवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा म्यांमार में भी सुबह भूकंप आया है। हालांकि अभी दोनों ही जगह भूकंप से कोई नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित की जाएगी। सोमवार दोपहर उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाएगा। अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 12वें दिन की सुनवाई सोमवार को होगी। शुक्रवार को 11वें दिन की सुनवाई में पूरे दिन निर्मोही अखाड़े के वकील सुशील जैन ने बहस की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार को पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। पत्थरबाजी की इस घटना में एक कश्मीरी ट्रक चालक नूर मोहम्मद डार घायल हो गया, जिसका देर रात उपचार के दौरान निधन हो गया। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह प्रदर्शन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा में बदल गया था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोदी को यह सम्मान बहरीन के किंग हमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भारत के खाड़ी देशों के साथ मित्रता को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की मान्यता के तौर पर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।